पड़ेगी इस सिलेंडर के लिए, उसमें जो इमरर आते हैं उनको कैसा लुक देना है, उन्हीं को आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सिलेंडर से भी आप मोटो ब्लॉगिंग अच्छे से कर सकते हो। कोई तो व्यू कैसा आ रहा है इस कैमरे का आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स। ऐसा तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, उनको पसंद नहीं आती मेरी गाड़ी। मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है नहीं हुआ है अगर आप तो हेलो भाई लोग कैसे हैं आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई चोकेंदर का भाई जोगेंदर जो लेके आया ना आज मोस्ट वीडियो लेके आया। मैं क्या कहने वाला हूँ बाकी भाई, आज जो ना हम अपनी गाड़ी के बारे में आपसे कुछ बोलेंगे और आप मुझे बताना कि इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। क्योंकि आपके पास अगर स्प्लेंडर है और आप इसको मोटो ब्लॉगिंग के लिए रेडी करना चाहते हो तो क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या आपको नीड पड़ेगी इस स्प्लेंडर के लिए, उस पर रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और आगे आने वाली वीडियो में लाना चाहता हूँ इससे रिलेटेड स्प्लेंडर से अपनी, कि कैसे ये मिरर काम करेंगे, आपको लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, या इसमें जो मिरर आते हैं उनको कैसा लुक देना है, उन्हीं को ऐसा लुक देना चाहते हो, क्योंकि जो स्टॉक वाले मिरर आते हैं ना उनको भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में लगाया हुआ है, जो आप पुरानी वीडियो मेरी देखोगे तो उनमें जो मिरर मिलेंगे ना मेरे गाड़ी के वो इसी तरीके से पोर्ट्रेट मोड में मिलेंगे, उसको मैंने कैसे लगाया उसकी वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरी है अपनी स्प्लेंडर में लगाने के लिए, सभी चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो, आपके लोगों की डिमांड पर और सस्ते में ही, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग राइड पर जाएंगे तो उसके लिए भी प्रिपरेशन क्या क्या करनी है वो भी आगे हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तक जो हमने करा रखा है ना, और जो हमारी गाड़ी एकदम राइडिंग के लिए रेडी रहती है हमेशा, और लगती भी है कि हाँ कि राइड के लिए थोड़ा इसको तैयार किया हुआ है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली बाकी तो सभी सिलेंडर चला रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ स्प्लेंडर से भी आप मोटो ब्लॉगिंग अच्छे से कर सकते हो। कोई बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, कोई स्पोर्ट गाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। बजट से बाहर जाओगे तो नुकसान ही उठाओगे, क्योंकि अभी हमारी अर्निंग स्टार्टिंग में कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती है कहीं से भी, ठीक है। तो क्योंकि हम शुरू कर रहे होते हैं तो शुरू में कैसे हमें थोड़े थोड़े से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हम छोटे से आगे बढ़ेंगे ना उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, चल चलते हैं आपसे बात करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैं हूँ रामनगर रोड से, जो काशीपुर की तरफ हाईवे बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसके बराबर से मैं चल रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने स्प्लेंडर के बारे में। देखिए वैसे तो यार स्प्लेंडर को बेचकर भी आप लोग कोई स्पोर्ट बाइक ले सकते हो, ऐसी स्पोर्ट बाइक हो जो इसी के पैसों में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, बट एक क्या है ना कि एक बजट होता है अपना अपना, बजट से बाहर हम चले लोग चलेंगे तो हमें ऐसा नुकसान ही होता है। तो मैंने भी केवल उसी हिसाब से अपना किया हुआ, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो डेली अप डाउन लगा रहता है, अभी फ़िलहाल फाटक बंद है, चलते हैं, तो डेली अप डाउन लगा रहता है ना, तो इसी हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास, नहीं तो मैं भी इसको बेच कर और जो अपना स्पोर्ट बाइक है कोई भी मिल जाती है, एनएस मिल जाती है, कोई सी NS125 NS200 कोई भी ले सकते हो थोड़े पैसे डालकर या इसी के पैसों में, ठीक है ना। तो अभी यार रेलवे क्रॉसिंग बंद है, तो जैसे आप स्प्लेंडर को आप लेते हो तो उससे एक तो आपका जो बजट है ना वो हमेशा कंटिन्यू बदलता रहेगा, बढ़िया एकदम, उसमें आप लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी लोगे तो भाई सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जरूर होती है वो होती है उसके मेंटेन रखना, क्योंकि इसका जो फ्यूल मतलब जो उसका माइलेज होता है वो भी बहुत कम होता है, और दूसरी बात उसकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अभी तो हमारे सस्ते में काम हो जाता है, बाद में हमारी सर्विस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है बड़ी गाड़ी को, कहते हैं ना कि हाथी लेना आसान है बट पालना बहुत मुश्किल है, तो वही चीज़ है। स्प्लेंडर से छोटी गाड़ी कोई सी भी आपका उसके पास उससे भी कर सकते हो, और मेरा एक सपना है कि मैं भाई जो आती है ना कुतिया गाड़ी, हैप्पी गाड़ी जो आती है उससे भी मैं थोड़ा सा मोटो ब्लॉग करूँ, उससे भी वीडियो शूट करके देखूँ क्या रिएक्शन मिलता है क्या नहीं, तो तभी चीज़ पे आगे बात करेंगे, पहले ये फाटक खुल जाए, फाटक खुलने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फाटक खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा है यह है संपार, गाड़ी गुजरने के 2 मिनट बाद खोला जाता है, चलो वो भी वेट कर लेते हैं फिलहाल। तो गाइस व्यू कैसा आ रहा है इस कैमरे का आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID मेरी यहाँ पर पॉपअप हो रही होगी जोगेंद्र जोगी ब्लॉग के नाम से। ऐसा तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, रेलवे क्रॉसिंग कितनी लंबी लंबी है भाई, यहाँ से ना काशीपुर का जो ओवरब्रिज बना है ना वो दिखाई दे रहा है, सामने वाले भी इसी साइड को आ रहे हैं, हर किसी को जल्दी है यार, हर किसी को, इतना वाहन होने के बाद भी ना सभी को जल्दी है, कोई फ़ायदा थोड़े ना इतनी जल्दी करके। अभी तक हमने जो लगाया हुआ है ना इसमें वो मिरर है और एक फ़ोन होल्डर है, कि कैसा लुक आता है अभी तक इसका, उसकी अपर वीडियो चाहते हो आप तो मैं वीडियो डाल दूँगा,
अच्छे से बनाकर, जिससे कि आपको अपनी गाड़ी से प्यार हो जाएगा। अगर मैं इसकी वीडियो सीख से डाल दूंगा तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती मेरी गाड़ी, सच बता रहा हूँ। और कुछ लोग अभी तक ये कि दो लोगों को पसंद आई है मेरी गाड़ी, नहीं तो किसी को पसंद नहीं आती। सबको लगता है तुमने स्प्लेंडर ख़राब कर दी, तुमने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैंने गियर लीवर में भी ना मॉडिफाई कर रखा है इस पर। तो सभी को ये है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करता रहे मेरी गाड़ी के बारे में कि गाड़ी पसंद नहीं आ रही है, गाड़ी तुमने बेकार कर ली, बहुत लोगों ने कहा। बट यार मेरे मन को भारी है ना, हाथ खुले खुले रहते हैं, देख सकते हो आप। और इसमें क्या है कि मैं एक अच्छा फील करता हूँ, अच्छा फील करता हूँ इस गाड़ी को चलाते हो तो मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। मेरे लेके कोई बुरा बताओ या अच्छा बताओ, हर किसी को हर किसी की चीज़ पसंद नहीं आती, तो बस वही है। तो अभी तो अपने से गाड़ी, अपनी को अपनी गाड़ी से प्यार है, क्योंकि डेली अप डाउन भी रहता है और काफ़ी लंबी लंबी भी चलना पड़ता है बिना मोटो ब्लॉक के लिए। तो यार सभी चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना किसी के कहने में अगर कि गाड़ी अच्छी नहीं लग रही और तुम अपनी गाड़ी पे काम तमाम कर दो। नहीं यार, यहाँ से मौसम देख सकते हो आप, मैं आ चुका हूँ पासीपुर में SBI के सामने चामुंडा कॉम्प्लेक्स के पास। तो राइड में मुझे ना यार बड़ा रिलैक्स फील होता है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे राइड करते हुए। सारा जो एक टेंशन वेंशन थोड़ी बहुत भी होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। अभी तक तो फिलहाल अपनी मोटे ब्लॉगिंग मस्त चल रही है, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और कैसे मैंने स्टार्ट किया कैसे नहीं किया है इसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है नहीं हुआ है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा मैं, बोस्ट टाइम भी आके क्लियर कर देंगे आने वाली वीडियो में, अगर बोस्ट टाइम अभी तक हमारा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है नहीं हुआ है, इन सब से रिलेटेड आप किसी भी बात को लेकर मुझसे पूछना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इन सब बातों पर आप वीडियो लेके आओ, तो मैं वो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत और करनी है कितनी नहीं करनी है। लोगों के कहने में कहीं मत आइए यार, आपको अपनी लाइफ देखनी है, दूसरों के कहने से केवल दूसरे बुराई निकाल सकते हैं, अच्छा ही तभी निकालेंगे जब आप कामयाब हो जाओगे। आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो ना पार्ट टाइम, तो भाई जॉब वॉब कर रहे हो तो जॉब को मत छोड़ना, अपनी मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखो और जॉब भी कंटिन्यू रखो। पार्ट टाइम में बहुत टाइम मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा दिन आप इसमें लगे रहो, पूरा दिन लग के करोगे भी क्या यार, एक वीडियो शूट करो डेली डाले जाओ सुबह शाम में, बहुत टाइम मिल जाता है सबको, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो अभी ले लेते हैं राइट में। तो गाइस मैंने बोला कि जैसे आप अगर इन सब पे वीडियो चाहते हो ना, मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है नहीं हुआ, अभी तक कितनी मेहनत की है तो उसका क्या फल मिला है मुझे, और अपनी गाड़ी में कैसे मेंटेन करता हूँ, छोटी गाड़ी को राइडिंग के लिए कैसे मेंटेन कर रखा है, सभी चीज़ से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी लिख देना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट।